नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है एक स्पेशल ट्रक जो दो पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहला है ट्रैक्टर और दूसरा है ट्रेलर। ये एक टिप्पर ट्रेलर ट्रक है। आज हम इस गाड़ी के बारे में सब कुछ जानकारी जानने वाले हैं। बेसिकली इस टाइप के जो ट्रक्स होते हैं वो खासकर बल्क लोड के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि कोयला वगैरह है, बजरी वगैरह है, और लॉन्ग ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन जैसे कि 200 किलोमीटर, 300, 400, 500, 1000 किलोमीटर तक गाड़ी जिनको चलानी है, ट्रांसपोर्ट करना है। कुछ कुछ जगह की जो बजरी होती है, नदी की जो वालू वगैरह होती है, उसकी डिमांड पूरी इंडिया में होती है। तो वैसे एप्लीकेशन के लिए मतलब समझ लीजिए कि अभी महाराष्ट्र की तापी रिवर है, तापी रिवर की जो बालू है वो पूरे भारत में मशहूर है। अगर तापी रिवर पड़ती है धुले जलगांव नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां से उत्तर प्रदेश में आपको बजरी भेजनी है तो आप इसकी मदद से भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रेती वगैरह आ जाती है। ये लॉन्ग ट्रेलर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। पहले बात करेंगे ट्रैक्टर की। ये है भारत बेंज का 5528 4x2 ट्रैक्टर। ये 55 टन सेगमेंट में आने वाला एक ट्रैक्टर है, यानी कि खासकर 55 टन जीवीडब्ल्यू के साथ आता है। इसके पीछे टिप्पर ट्रेलर लगा है, बट इसके पीछे आप ऑटोमोबाइल कैरियर भी लगा सकते हैं। कई सारे एप्लीकेशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। स्टील ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन है या स्टील रोल एप्लीकेशन है, उनके लिए भी काफी मशहूर ट्रेलर है। इसमें लगा है भारत बेंज कंपनी का OM926 इंजन, जो 1100 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। पावरफुल इंजन के साथ कंफर्टेबल कैबिन आपको मिल जाता है। ये BS6 फेज 2 कंपाइलेंट गाड़ी है, जिसमें कई सारे बदलाव हुए हैं। गाड़ी के फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं भारत बेंज का बढ़िया लोगो मिल जाता है, शानदार ग्रिल मिल जाती है। भारत बेंज के वेरिएंट्स को आप कैसे पहचान सकते हैं, अभी हम आपको वो बताएंगे। जिस गाड़ी का बंपर पेंटेड होता है वो टॉप एंड वेरिएंट होता है, यानी कि देख सकते हैं बॉडी कलर बंपर आपको इसमें मिलता है, और जिस गाड़ी में आपको ब्लैक कलर का बंपर मिलता है वो बेसिक वेरिएंट होता है। टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको एयर कंडीशनिंग के साथ साथ कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और दोस्तों, इस गाड़ी की हेडलाइट्स की अगर हम बात करें तो इसके जो हेडलाइट की पोजीशन है वो इस प्रकार दी गई है। नीचे यहाँ पर आपको मिलता है सिंगल चेंबर हैलोजन हेडलैम्प DRL और इंडिकेटर के साथ। यहाँ पर दो फुट सेफ दी गई है, साथ ही साथ यहाँ पर एक्सटर्नल सनवाइजर आपको मिल जाता है, प्रॉक्सिमिटी मिरर दिया गया है, और काफी स्टाइलिश ये गाड़ी बनाई गई है। भारत बेंज कंपनी ने BS6 फेज 2 कंपोनेंट को भारत 6 प्लस के नाम से दिखाया है, क्योंकि BS6 फेज 1 में इनका नाम सिर्फ भारत 6 था, बट BS6 फेज 2 में ये नाम अभी भारत 6 प्लस हो गया है। अब जानते हैं टायर्स इसके बारे में। इसमें दिए गए आपको 295/90 R20 सीएम के टायर्स। जितनी भी M&SCV सेगमेंट की गाड़ियां होती है उसमें आपको यही टायर साइज मिलती है। फ्रंट एक्सल पर आपको सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाता है। यहाँ पर इसका बैटरी लोकेशन है, इसमें आपको 24 वोल्ट बैटरी सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर एडब्लू टैंक का लोकेशन है। यहाँ पर कैबिन लिफ्टिंग मैकेनिज्म का स्विच है। इस ट्रक में आपको 455 लीटर की बड़ी सी फ्यूल टैंक मिल जाती है। ये मेटेलिक फ्यूल टैंक है, जिसमें आपको एंटी फ्यूल थेफ्ट सिस्टम भी मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पर 51 लीटर की एडब्लू टैंक भी आपको दी गई है। ये 4x2 ट्रक है, इसमें 6x2 भी ऑप्शन आपको मिलता है। ये देख सकते हैं इसका 281 एचपी का इंजन, यहाँ पर 9 स्पीड गियरबॉक्स, और साथ ही साथ यहाँ पर एयर इंटेक आप इसका देख सकते हैं, कितना बड़ा इसका एयर इंटेक है। आप जानते हैं इसके टिपिंग सेक्शन के बारे में, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो शुरुआत होती है हाइड्रोलिक सर्किट की, वो होती है रिजर्वायर से। यहाँ से आपका जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है वो इस टेलीस्कोपिक सिलेंडर में जाता है, और इसकी मदद से ये जो टिपिंग बॉडी है वो रेज होती है, उठ जाती है। हाइड्रोलिक रिजर्वायर की जो कैपेसिटी है वो 103 लीटर की, यानी कि 103 लीटर का इसमें ऑयल बैठता है, और वर्किंग वॉल्यूम जो होता है ऑयल का वो 81 लीटर के आसपास है, और ये हाईवा इंडिया की तरफ से आता है। कितना मोटा यहाँ पर पाइप दिया गया, करीब करीब 3.5 इंच का यहाँ पर काफी बड़ा पाइप दिया गया है। इन और आउट लाइन जो है वो यहाँ से दी गई है। ट्रेलर का जो पीछे के कंट्रोल्स वगैरह होते हैं उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं वैपको की यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम दी गई है, ब्रेकिंग के पाइप है, इलेक्ट्रिकल लाइन आप देख सकते हैं, रेड येल्लो माइनस प्लस प्रेशर के यहाँ पर लाइन आप देख सकते हैं। इस ट्रेलर को बनाया है एमा कंस्ट्रक्शन नासिक ने। इसे कुछ लोग अम्मा भी कहते हैं, कुछ लोग एमा भी कहते हैं, बट हम आसान भाषा में आपको समझाने के लिए इसे एमा ही कहेंगे। एमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नासिक बेस्ड कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1996 में हुई थी, और इस कंपनी को खासकर जाना जाता है इसके स्पेशल एप्लीकेशन ट्रेलर्स के लिए। काफी मजबूत और काफी हेवी ट्रेलर्स होते हैं, और बहुत से OEMs भी इसे यूज करते हैं। एमा के ट्रेलर के साथ भारत बेस का ट्रैक्टर कितना जबरदस्त दिख रहा है। कैमरा इसे जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, बट रियल में बहुत ज्यादा बड़ी इसकी बॉडी है दोस्तों। मेटलिक शीट कितनी हेवी यहाँ पर दी गई है। चेसिस जो है ट्रेलर की वो बहुत ज्यादा हेवी यहाँ पर बनाई गई है। पहला पार्ट जो होता है ट्रेलर का वो होता है ट्रेलर लेग्स। जब आपको ट्रेलर को कहीं छोड़कर जाना होता है तो आप इन लेग्स की मदद से एक जगह पे खड़ा कर सकते हैं। ट्रेलर की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 25,000 किलोग्राम की है। अल्टीमेट स्टैटिक कैपेसिटी जो है ट्रेलर की वो 52,000 किलोग्राम की है इन लेग्स की, और ये YT यानी कि यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट कंपनी तरफ से बनकर आते हैं, और डिटेल्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ साइड अंडर आर्म प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। अब एक्सल्स की बात करते हैं, इसमें आपको 3 एक्सल्स मिल जाते हैं। ये जो एक्सल आप देख सकते हैं लिफ्टेबल एक्सल है, एयर बेलोज आप देख सकते हैं, और यहाँ पर सेफ्टी बेल्ट भी दिया गया है। एक लिमिट से ज्यादा ये नीचे नहीं आने देगा, और इसमें आपको यॉर्क कंपनी के एक्सल्स दिए गए हैं। साथ ही साथ बात करेंगे रियर एक्सल्स की, तो यहाँ पर आपको 2 डमी रियर एक्सल मिल जाते हैं। ये तीनों एक्सल्स डमी है, इनमें कोई पावर नहीं होती, क्योंकि ये ट्रेलर एक्सल के तौर पर काम करते हैं। कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने इस गाड़ी को बनाया है। अब अपर सेक्शन की बात करते हैं। लोडिंग बॉक्स पर आपको काफी अच्छे साइड इंडिकेटर लैंप मिल जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर प्रोटेक्शन भी दिया गया, क्योंकि ऊपर से कुछ गिरता है तो इस लाइट को डैमेज ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं पाइप सेक्शन दिए गए, हुक्स दिए गए कवर वगैरह डालने के लिए, और पीछे से आप देख सकते हैं दोस्तों पीछे से क्या लुक लगता है गाड़ी का। हर जगह एमए कंस्ट्रक्शन का नाम दिखा गया है।
रियर साइड में आपको एलईडी इंडिकेटर मिल जाते हैं मेस्को कंपनी के, इसी के साथ साथ रियर अंडर प्रोटेक्शन रियर गार्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है, भारत बेंज का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एमआर कंस्ट्रक्शन की बड़ी सी बैजिंग आपको दी गई है। ये टेलर का चेसिस नंबर आप देख सकते हैं, इसका स्पेयर व्हील लोकेशन यहाँ पर दिया गया है। ये बेसिकली केरला की ट्रक है और केरला में अभी ये गाड़ी जाने वाली है। ट्रेलर के लिए गाड़ी नासिक आई थी, पूरे इंडिया में इनका काफी बड़ा नाम है एमआर कंस्ट्रक्शन का। और दोस्तों बाहर से आपने गाड़ी देख ली, अब चलते इसके अंदर। अंदर से आपको पता है दोस्तों भारत बेंज के कैबिन कितने बढ़िया होते हैं। ये तो स्लीपर कैबिन है और देख सकते हैं डोर्स पर काफी अच्छा आपको फिनिशिंग मिल जाती है। यहाँ पर चढ़ने के लिए हैंडल दिया गया आपको, आप काफी आसानी से इसमें आ सकते हैं अंदर। यहाँ पर आपको फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, यह इसका एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें यहाँ पर स्पीडोमीटर है, यहाँ पर फ्यूल लेवल गेज है, यहाँ पर आरपीएम गेज है और यहाँ पर एयर प्रेशर गेज दिया गया है। सेंट्रल साइड में आपको एमआईडी यानी कि मल्टी इंफ्रेशन डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पर डैशबोर्ड के कुछ कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर इंट्रेक्स लॉक का बटन है, दो डमी स्विचेस के लिए जगह दी गई है, ये ड्राइवर साइड पावर विंडो का बटन दिया गया है, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का बटन दिया गया है प्लस माइनस करने के लिए, यहाँ पर लिमिटर स्विच है, लिमिटर स्विच की मदद से आप एक स्पेसिफिक स्पीड को लिमिट कर सकते हैं जिसके ऊपर गाड़ी नहीं जाती है। ये काफी बढ़िया फीचर आपको भारत बेंज के ट्रक्स में मिल जाता है। इसके बगल में रीजनरेशन ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट हैंड साइड में जो लीवर दिया गया है ये मल्टीपर्पज लीवर है, इसकी मदद से आप वाइपर स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट इंडिकेटर यूज कर सकते हैं और इसकी मदद से आप अपर डिपर भी कर सकते हैं हेडलाइट्स को। दोस्तों स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको पावर मोड, इको मोड का कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पर हेडलैम्प लेवल एडजस्टमेंट का बटन मिल जाता है। हेडलैम्प के जो कंट्रोल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, डीआरएल के कंट्रोल भी यहाँ पर दिए गए हैं। और दोस्तों इसके नीचे आपको मिलता है ओबीडी कनेक्टर पॉइंट, जिसकी मदद से आप स्कैनर को यूज कर सकते हैं। और डैशबोर्ड व्यू जो है इस प्रकार दिखता है, सेंट्रल साइड में दो एसी वेंट्स दिए गए हैं और कॉर्नर्स में आपको दो एसी वेंट्स दिए गए हैं। कुल मिलाकर कैबिन में चार एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स है, यहाँ पर को ड्राइवर साइड का पावर विंडो का बटन है, साथ ही साथ यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स है, यहाँ पर हजार्ड लैंप का बटन है, यहाँ पर एग्जॉस्ट ब्रेक का बटन आपको मिल जाता है। ये इसका 9 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन क्रॉलर गियर के साथ, साथ ही साथ यहाँ पर डैशबोर्ड में थोड़ी सी स्पेसिंग आपको मिल जाती है, यहाँ पर आप मंदिर वगैरह बना सकते हैं। साथ ही साथ कैबिन के अपर साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है, यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है, यहाँ पर इसका म्यूजिक सिस्टम, इसके अलावा यहाँ पर एक स्पीकर है, यहाँ पर एक स्पीकर है, काफी अच्छा साउंड रिस्पॉन्स है इसका। इस गाड़ी में आपको ड्राइवर अलर्ट सिस्टम मिल जाता है और ये देख सकते हैं ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर दी गई है, जिसकी मदद से ड्राइवर की आंखों में नींद वगैरह आती है या ड्राइवर का ध्यान यहाँ वहाँ जाता है तो ये सिस्टम अलर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट होने का खतरा है वो कम हो जाता है। कैबिन में आपको इंडिविजुअल डोम लाइट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर एक डोम लाइट है और यहाँ पर एक डोम लाइट है, जिसे हम रीडिंग लाइट भी कह सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक सनविजर आपको मिल जाता है, काफी बड़ा सनविजर आपको मिलता है। रेडियो का जो एंटीना है यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों ओवरऑल कैबिन लुक इस प्रकार दिखता है, कैबिन में कुल तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं, यहाँ पर दो लोग बैठ सकते हैं, काफी बड़ा चौड़ा सीट मिलता है। इंसुलेशन आप देख सकते हैं क्वालिटी काफी हेवी इसकी, जहाँ पर इसका पार्किंग ब्रेक है और ये इसका स्लीपर बर्थ, 6 फीट का बंदा भी इसमें आराम से सो सकता है। और इसमें अभी देखिए यहाँ पर आपको कर्टन्स भी मिल जाते हैं प्राइवेसी के लिए, रात में जब गाड़ी चलती है तो सामने से जो लाइट वगैरह आती है, जो सो रहा बंदा है उसके ऊपर आती है, तो उसको एक ठीक से कंफर्ट मिल पाए, जिसकी वजह से यहाँ पर कर्टन्स भी आपको मिल जाते हैं। स्लीपर बर्थ काफी बड़ा है, काफी यहाँ पर चौड़ा आपको बेड मिल जाता है, जिसमें आराम से ड्राइवर भाई सो सकते हैं। और दोस्तों भारत बेंज की गाड़ियों में सीट काफी नेक्स्ट लेवल मिलता है, ये देख सकते हैं फुल्ली एडजस्टेबल एयर सस्पेंडेड सीट आपको मिलता है, जिसकी वजह से आप सॉफ्ट हार्ड मोड कर सकते हैं, अप डाउन भी कर सकते हैं, सीट को नीचे आ जाएगा ये पूरा ऊपर आ जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर इसका टिपिंग के कंट्रोल आप देख सकते हैं, यहाँ पर एडिशनल कट आउट स्विच भी दिया गया है सेफ्टी के लिए और ये बॉडी बिल्डर की तरफ से दिया गया है। ये फुल्ली बिल्ड गाड़ी लेने का एक ही फायदा है कि आपको काफी सारा टाइम बच जाता है, क्योंकि गाड़ी कंपनी से बनी बनाई आती है। एमआर के अलावा आप बहुत सारे बॉडी बिल्डर से गाड़ी बना सकते हैं, बट ये कॉम्बिनेशन काफी सारे लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी काफी अच्छी बन जाती है। अब जानते हैं इस गाड़ी के ऑन रोड कीमत के बारे में। इसकी जो ऑन रोड कीमत है, मतलब ट्रेलर और ट्रैक्टर के साथ, ऑलमोस्ट 70 लाख रुपीज तक जाती है। ये कीमत आपके राज्य में ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि हर राज्य में टैक्सेस अलग अलग होते हैं। और इस गाड़ी का जो माइलेज है ये 2.5 किलोमीटर प्रति लीटर से लेकर 3.5 किलोमीटर प्रति लीटर का है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।